Assalamu alaikum, dear students. Continuing the series of lectures, today we are going to discuss another physical quantity, that is time. ठीक? कोई भी process start होने से पहले एक management होता है. क्या होता है? Management. Suppose we are in the school. ठीक? Our starting time is this and departure is this. Means we are bounded from this interval to this interval, and this interval is called starting and this is called closing. ठीक? इसी तरह से सुबह सवेरे कोई लेबर घर से निकलता है, his starting time is this and his closing time is this, 4:30. यही हमारा फिजिकल क्वांटिटी आज है, जिसका नाम है टाइम. ठीक? यानी भी किसी भी प्रोसेस को इनिशिएशन या कंप्लीशन जाने से पहले एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज टाइम. ठीक? टाइम होता क्या है? इट इज एक्चुअली व्हाट? इवेंट. किसका? हैपनिंग. किसी भी चीज को अगर होना है तो उसके लिए एक एसेंशियल क्राइटेरिया है, दैट इज टाइम. ठीक? या मैं इसको कह दूं इंटरवल. कौन सा इंटरवल? बिटवीन टू इवेंट्स. ठीक? कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है, आई विल से सपोज एन ए प्लस सीएल, दिस इज गिव्स मी एन ए सीएल. ठीक? यहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहां पे कंप्लीट हो रहा है, यानी कि दिस इज स्टार्टिंग प्रोसेस, दिस इज क्लोजिंग प्रोसेस. इन दो चीजों के दरमियान जो मेरा एनएसीएल बन रहा है, ठीक, इट इज कॉल्ड टाइम. ठीक? दूसरी बात, मैं सुबह सवेरे घर से निकला स्कूल के लिए, दिस इज माय फर्स्ट इंटरवल. अप टू फोर, यानी कि ये है, यही इंटरवल का बिटवीन टू इवेंट्स, एंड दीज टू इवेंट्स आर स्टार्टिंग ऑफ स्कूल, क्लोजिंग ऑफ द स्कूल. इसके बीच में जो प्रोसेस हो रही है, आई मे कॉल इट एज एन टाइम. ठीक? और दूसरी बात, इस टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स दिए गए. ठीक? चाहे वो आपका आवर हो, चाहे वो आपका सेकंड हो, चाहे वो आपका मिनट हो. ठीक? और दूसरी बात, इसमें यूनिट्स बहुत सारे हैं. एक वीयर होता है, 365 डेज. ठीक? वन डे होता है 24 हावर्स. सेवन डेज होते हैं वन वीक. ठीक? वन हावर होता है, आवर होता है 60 मिनट्स. वन मिनट होता है 60 सेकेंड्स. दीज आर ऑल द यूनिट्स विच आर यूजिंग, विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टाइम. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम समझ आया एक्चुअली क्या है? कि कोई भी इवेंट जो हो जाए, कोई भी इंटरवल जो हो जाए बिटवीन टू इवेंट्स. ठीक? फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग क्लोजिंग, दिस इज सिंपली टाइम. वी हैव गॉट डिफरेंट यूनिट्स एज आई हैव मेंशनड, आवर्स, सेकंड्स, मिनट्स, वीयर्स. इसमें बहुत सारे और यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट वीयर है, यू विल स्टडी इंशाल्लाह इन 8th. नाउ द मेजरमेंट. मेजरमेंट के लिए पहले हमारे पास है पेंडुलम क्लॉक. ये एक इंस्ट्रूमेंट है. क्या है? इंस्ट्रूमेंट. जस्ट लाइक दिस इज कॉल्ड मीन पोजिशन, दीज आर कॉल्ड टू एक्सट्रीम पोजिशन.
Actually, this pendulum clock for which is used for measuring the time works on simply swinging of this ball. Theek? This is its main position. It will start its journey from here, then will come to this, then will come to this, and will again to reach this point. This is its first rotation. Main position, first to extreme, then back mean, then once again up to extreme. These are simply its rotations, and its rotation starts from mean position, then reaches to extreme position, then once again to mean position, and then back to mean extreme position, and back to mean. This is one rotation. Theek? It has one more feature. It is mocked. What it actually looks like, works. It is just like this. It has got here 12 numbers are marked. These are simply, I will say here, 12, 3, 6, 9. Theek? These are 12 in number. What they represent? They represent hours. Theek? After that, we have got here 5 more intervals. Theek? These are broad. These 5 are called minutes. Theek? This 5, it is minute. This 5, it is minute. This 5, it is minute. And further subdivisions, these are called seconds. ठीक, दूसरी बात, इसमें इस जो आपका पेंडुलम क्लॉक है, इसमें और एक चीज होता है, वो है, it has three arms. First is this, second one is this, ठीक, and third one is always in continuous rotation.